इस समय भी गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, गर्मी बहुत पड़ रही है और आग लगने की घटनाएं इसी समय ज़्यादा होती हैं। इसके लिए हमारे जनपद में 7 फायर स्टेशन में सभी गाड़ियां एकदम वर्किंग कंडीशन में तैयार खड़ी रहती है। सूचना मिलने पर तुरंत वो अपने घटनास्थल के लिए प्रस्थान करके अपना अग्निशमन कार्य करते हैं। शहर में छोटी गली में जाने के लिए हमारे पास मोटरसाइकिलें हैं 2 बुलेट पे, उस पर हाई प्रेशर लगा हुआ है और 2 छोटी गाड़ियां टाटा की हैं, वो भी तंगलियों में जा सकती हैं। सभी वाहन हमारे कार्यशील दशा में लगातार ये सूचना आती है कि जब फोन की सूचना नहीं हो पाती है पब्लिक को, तो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो डायरेक्ट आपसे जुड़े और तुरंत मौके पहुँचाएँ? अगर किसी कारणवश से हमारे कंट्रोल रूम का, फायर स्टेशन के कंट्रोल रूम का नंबर नहीं मिलता है, तो आप 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, तुरंत सूचना उस पर मिल जाएगी। नज़दीकी थाने में भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं, किसी भी थाने में बता सकते हैं, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आ जाएगा। कंट्रोल रूम है आपका, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, सिटी कंट्रोल रूम, सारे कंट्रोल रूम के नंबर खुले रहते हैं हमेशा, तो उनको मैसेज दे के मेरी सहायता ली जा सकती है। अगर कहीं आग लगती है, आग लग गई देहात से, तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि सभी आदमियों को, जो भी इसे किसी घर में लगी है, कहीं लगी, तो उस घर से निकल के बाहर आ जाएं और जो उनके पास उपलब्ध साधन हो, जैसे पानी है या रेत है वगैरह, अगर मिल जाए तो उससे क्या करें कि आग बुझाने के प्रयास करना चाहिए, आग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। साथ ही साथ फायर सर्विस को आप मैसेज दीजिए, सूचना दीजिए, फायर सर्विस आगे तुरंत अपना काम।